Today we start chapter number 13, Exponent and Powers. Introduction. Do you know what the mass of Earth is? It is this much kilogram. Can you read this number? Mass of Uranus is this much kilogram. So as we can see, यहाँ पे जो number है, this number and this number, this both number are bigger. दोनों number बड़े हैं, ठीक है? Now, which has greater mass? अर्थ और यूरेनस. तो यहाँ पे जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है, या तो फिर यहाँ पे जो यूरेनस का मास गिवन है वो ज़्यादा है. ये हमें चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग दिस टू नंबर्स. नाउ हियर एज वी कैन सी कि दिस टू नंबर्स आर बिगर नंबर, तो इसको हम इजी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? We can write large number in a shorter form using exponent. So here observe 10,000. 10,000 में कितने जीरो हैं? 1, 2, 3 and 4. तो 10,000 को मैं लिख सकती हूँ 10 into 10 into 10 into 10. ये जीरो को मैंने डिवाइड कर दिया. 4 जीरो हैं, 1, 2, 3 and 4 और सभी के साथ 1. तो हो गया 10 into 10 into 10. तो इसको हम देख सकते हैं कितने बार नंबर 10 है? 4 times. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 4. That means 10 को 4 time multiply करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000. तो यहाँ पे 10 raised to the power 4 को बोला जाता है exponential form of 10,000. Now यहाँ पे same चीज given है. The shorter notation 10 raised to 4 stands for the product 10 into 10 into 10 into 10. Here 10 is called the base and 4 the exponent. तो यहाँ पे जो 10 है उसको बोला जाता है बेस, और जो नंबर 4 है दैट इज नोन एज अ एक्सपोनेंट. द नंबर 10 रेज टू 4 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4. दैट मीन्स कि 10 को रेज किया गया है कब तक? पावर 4 तक, और सिंपली एज फोर्थ पावर ऑफ 10. इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ 10. 10 raised to the power 4 is called the exponential form of 10,000. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इसको बोला जाएगा exponential form of 10,000. We can similarly express 1,000 as a power of 10. अब यहाँ पे हमने क्या किया? 10,000 को 10 के पावर में कन्वर्ट किया. Similarly, 1,000 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कितने जीरो हैं? 3 जीरो. तो that means कि 10 into 10 into 10 3 times होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 10 raised to the power 3. Now here again, 10 raised to the power 3 is the exponential form of 10,000. ये क्या हो गया? This पूरा number is become the exponential form of 1,000. We have used numbers like 10, 100, 10,000, etc. while writing numbers in an exponent form. For example, 47,561. अब इसको मुझे अगर 10 के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 47,000. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 47,000. फिर उसके बाद है क्या? 561. तो 500 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1. ठीक है, ये हो गया 47,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 1. ये सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा नंबर 47,561. अभी यहाँ पे 47,000 है तो उसको हम लिख सकते हैं 47 into 1000 equals to कितना हो जाएगा? 47,000. तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 47 into 1000. फिर अगेन प्लस, फिर प्लस के बाद क्या हो जाएगा? 500 है तो 500 को 10 के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? नंबर 5 into 100. जैसे यहाँ पे हो गया 100 into 5, 500. तो यहाँ पे हो गया 500 प्लस यहाँ पे है 60. उसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 into 10 हो जाएगा 60. एंड लास्ट में नंबर 1 एज इट इज. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 47 into,
यहाँ पे 1000 की कितनी पावर हो जाएगी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 1, 2 and 3, 3 0 है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 raised to the power 3, प्लस फिर यहाँ पे है 5 as it is 8 2, यहाँ पे कितने जीरो है, 00, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 2, प्लस यहाँ पे कितना है ओनली नंबर 10, तो वो एज इट इज होगा 6 into 10 plus 1, तो यहाँ पे हम ये नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 47 into 10 raised to power 3 प्लस 5 into 10 raised to power 2 प्लस 6 into 10 plus 1. Now here, can you tell what 5 raised to the power 3 means? यहाँ पे कोई भी नंबर का जो यहाँ पे पावर होगा उसका मतलब होगा कि ये नंबर को उतनी टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 raised to power 3 है, यहाँ पे कितना है पावर 3, तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है नंबर 5 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 into 5 into 5 equals to 125. सिमिलरली अगर 2 raised to power 5 है तो यहाँ पे पावर कितना है 5, तो क्या करेंगे नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितने बार है 5 टाइम्स, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32. एग्जाम्पल नंबर 1 इज एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2, दैट मीन्स कि हमको 256 को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स कि 2 बेस हो जाएगा और उसकी जो पावर है उसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 256 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो इसको फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 8 times 2 होगा, 8 times 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू वी गेट द आंसर 256, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 equal to 2 raised to the power 8. नाउ हियर विच वन इज ग्रेटर, 2 raised to the power 3 और 3 raised to the power 2, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बेस और पावर को एक्सचेंज कर दे, जैसे यहाँ पे बेस 2 है और पावर नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 3 बेस हो गया और पावर 2 हो गई, तो ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे, हियर फर्स्ट वन इज 2 raised to the power 3, तो यहाँ पे पावर का मीनिंग क्या होगा, उतनी बार हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 8. सिमिलरली 3 raised to the power 2, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर है, तो 3 into 3 9, यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर 9, तो वो किसका फॉर्म है, यहाँ पे है 3 raised to the power 2, तो हम बोल सकते हैं हियर 9 is greater than 8, सो दैट 3 raised to the power 2 is greater than 2 raised to the power 3. Example number 5 is express the following numbers as a product of power of prime factors. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो numbers है उसको सबसे पहले factorize करना है और उसको हमें दिखाना है as a product of powers of prime factor. तो सबसे पहले first number है 72. तो 72 के factors निकालेंगे तो यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 72 equals to, यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3, तो यहाँ पे सेम चीज़ हमने लिख ली, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कितनी टाइम है, 2 इज रिपीटेड फॉर, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 3 once a 3, ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे एज वी कैन सी 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स एंड नंबर 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 3 into 3, 72 को हम फैक्टराइज करने के बाद इस तरीके से लिख सकते हैं. नाउ काउंट नंबर 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 and 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3. सिमिलरली नंबर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 and 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, और वी कैन से 3 square, सो दस वी कैन राइट 72 equals to 2 raised to the power 3 and 2, 3 raised to the power 2. Let us start with the exercise number 13.1. Question number 1 is find the value of given numbers. तो उसमें से first number है 2 raised to the power 6. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बेस पता है, उसकी पावर पता है, तो क्या करेंगे, उतने टाइम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट वन है 2 raised to the power 6. तो यहाँ पे कैसे होगा, हियर 2
2 रेज टू द पावर 6. तो दैट मींस कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया. तो इसका आंसर हो जाएगा 64. देन सेकेंड वन इज 9 रेज टू द पावर 3. तो दैट मींस कि 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स. 9 इंटू 9 इंटू 9, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 729. थर्ड वन इज 11 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11, बिकॉज 2 टाइम है. तो 11 इंटू 11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 121. नाउ फोर्थ वन इज 5 रेज टू द पावर 4. दैट मीन्स कि क्या करना है, नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 625. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमें गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. दैट मींस कि बेस और उसकी पावर के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले कितने हैं, टोटल नंबर 6 हैं. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. तो यहाँ पे सारे नंबर्स सेम हैं, 6 हैं, और वो कितनी बार है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स है. दैट मीन्स कि बेस हो जाएगा नंबर 6 एंड उसकी पावर हो जाएगी 4. तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट वन इज टी इंटू टी. सो हाउ मेनी टाइम्स टी इज मल्टीप्लाइड, 1 एंड 2, 2 टाइम्स. सो दैट इज वाई हियर वी कैन राइट इट टी स्क्वायर. थर्ड वन इज बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी. नाउ कैलकुलेट, काउंट हाउ मेनी टाइम्स बी इज मल्टीप्लाइड, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स. सो दैट मीन्स बेस बिकम नंबर बी और उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर कितना हो जाएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 4. नाउ फोर्थ वन इज 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. सो हियर वी कैन सी यहाँ पे दो नंबर्स हैं, नंबर 5 एंड नंबर 7. तो क्या करेंगे, 5 को भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, 7 को भी. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 5. तो 5 इज रिपीटेड 2 टाइम, 5 इंटू 5. सो हियर बेस बिकम नंबर 5 एंड इट पावर इज नंबर 2 बिकॉज इट मल्टीप्लाई 2 टाइम. देन इन 2 नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7 एंड इट मल्टीप्लाइड 3 टाइम, 1, 2 एंड 3. देयरफॉर इट्स पावर बिकम नंबर 3. सो वी कैन राइट इट एज 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3. देन फिफ्थ वन इज 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए. दिस इज एज सिमिलर एज द प्रीवियस वन. अगेन टू नंबर्स आर देयर, 2 एंड ए. तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बेस में लिखेंगे. नंबर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स, 1 एंड 2. तो इसका पावर हो जाएगा 2. देन ए, ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 एंड 2. तो इसका पावर हो जाएगा 2. तो इसका फाइनल फॉर्म हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ए रेज टू द पावर 2. देन सिक्स वन इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल हैं, 1, 2 एंड 3, ए सी एंड डी. तो यहाँ पे ए कितनी बार है, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे ए की पावर हो जाएगी 3 इंटू सी, 1, 2, 3 एंड 4. सी मल्टीप्लाइड बाय नंबर 4. तो हियर सी रेज टू द पावर 4. एंड एट लास्ट डी ए की बार है, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे इंटू डी. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आवर फर्स्ट नंबर इज 512. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज 512. तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 से, तो 512 नंबर कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 512 इक्वल्स टू 9 टाइम्स मल्टीप्लाई विथ नंबर 2. तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. बेस हो जाएगा नंबर 2 एंड इट्स पावर इज 9. सो हियर वी राइट डाउन, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 512 इज 2 रेज टू द पावर 9. देन सेकेंड वन इज 343. तो 343
343 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 7 × 7 × 7। तो यहाँ पे 343 इक्वल्स टू 7 × 7 × 7। सो हियर बेस बिकम नंबर 7 और उसकी पावर हो जाएगी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 3। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा हो जाएगा, 7 raised to the power 3। सो हियर वी कैन राइट डाउन देयरफॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343 इज 7 raised to the power 3। देन फोर्थ वन इज 3125। तो यहाँ पे 3125 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे सेम चीज हम लिखेंगे। नाउ काउंट कितनी बार 5 आया है, मल्टीप्लाई हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो अवर बेस नंबर इज नंबर 5 एंड पावर इज ऑल्सो सेम, दैट इज नंबर 5। So here we can write down, therefore the exponential form of 3125 is 5 raised to the power 5. Question number 4 is, identify the greater number wherever possible in each of the following. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, from the given numbers we need to identify which number is greater one. So let us start with the first one. First one is 4 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट नंबर इज 4 raised to the power 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 × 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। सेकंड वन इज 3 raised to the power 4। तो 3 × 3 × 3 × 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 81। सो यहाँ पे ये दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, 81। सो हियर वी कैन राइट डाउन 81 इज ग्रेटर देन 64। सो देयरफॉर 81 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर 3 raised to the power 4। सो हियर वी कैन राइट डाउन देयरफॉर 3 raised to the power 4 इज ग्रेटर देन 4 raised to the power 3। सो हियर लास्ट में हो जाएगा देयरफॉर 3 raised to the power 4 इज द ग्रेटर नंबर। नाउ फोर्थ वन इज 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है 100 raised to the power 2। तो क्या हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हो जाएगा 10,000। नाउ 200 raised to the power 100। तो यहाँ पे नंबर 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 टाइम, तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 क्या होता है, 10 × 10। तो हियर वी कैन राइट डाउन 2 raised to the power 10 raised to the power 10। तो यहाँ पे 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 raised to the power 10। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 टाइम्स, और उसकी पावर कितनी है, raised to the power 10। अभी इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1024 raised to the power 10। अभी इसको 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1024 raised to the power 2 raised to the power 5। ठीक है, यहाँ पे 5 × 2 = 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 × 10 = 100 हो गया, वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर है, 1024 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1024 × 1024 और उसका पावर हो जाएगा नंबर 5। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1048576 raised to the power 5। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, बट ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1048576 raised to the power 5 इज ग्रेटर देन 10,000। देयरफॉर 2 raised to the power 100 is greater than 100 raised to the power 2. So therefore 2 raised to the power 100 is the greater number. Last में हमें क्या चेक करना है, ये जो ये नंबर है वो किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका। सिमिलरली ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका। सो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। देन नेक्स्ट वन इज 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2।
यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 10, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम, तो यहाँ पे हमने किया था सबसे पहले 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या मिला था 1024, तो यहाँ पे सेम आंसर हो जाएगा 1024। देन सेकेंड वन इज 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 into 10, 10 into 10 equals to 100। नाउ सी चेक दिस बोथ नंबर, ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दिस वन, सो हियर वी कैन राइट डाउन 1024 इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर 2 raised to the power 10 इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर, बिकॉज ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये नंबर है, ये नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 raised to the power 10, और 100 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 का स्क्वायर, सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 2 raised to the power 10 इज ग्रेटर नंबर।